नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय क्रिएशंस। आज हम यहाँ पे आपको लॉन्ग सूट कह लीजिए या कुर्ती कह लीजिए, लॉन्ग कुर्ती की कटिंग विद जैकेट यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल बटन दबाएँ जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे देखिए, यह जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा सूट का कपड़ा है, ये ऊपर का, और ये शाइनिंग वाला हमारा अस्तर है। तो ये हमने सेट लिया है सूट का, तो उसके साथ ही हमें मिला है। जो हम सेट का कपड़ा खरीदते हैं उसमें ज़्यादातर अब अस्तर साथ में ही आता है। तो ये लगभग 2 मीटर है, इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। साथ में हम जैकेट में 3 कट लगाएंगे, 2 बगल में और 1 बीच में। और ये जो अस्तर का कपड़ा है इसे हम अलग से स्लीवलेस सूट बनाएंगे अंदर पहनने के लिए। उसके ऊपर से हम अपना वो कढ़ाई वाला जो टॉप है सबसे ऊपर का, वो कॉलर वाला बनाएंगे, तो उसका जैकेट बनाएंगे हम। वीडियो मेरी लंबी होगी इसलिए मैं कटिंग और स्टिचिंग पार्ट अलग अलग डालूंगी, लेकिन मैं लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी स्टिचिंग का भी। तो पहले ये पार्ट आप कटिंग का देख लीजिए, इसे हमने पहले लंबाई में फोल्ड किया है। तो हमारी सूट की जो मेजरमेंट है ये देखिए हमने लंबाई अपने कुर्ते के हिसाब से रखी है, जितने हमारे ऊपर का जैकेट का लंबाई होगा यानी कि है 41 इंच। तो ये हमने टोटल ले लिया है, तो इसी हिसाब से हम अपना अंदर का सूट का भी कटिंग करेंगे, इसमें कुछ भी छोटा नहीं करेंगे। तो ये 41 इंच है। अगर आप अस्तर वाला सूट बनाते हैं तो आपको जितनी लंबाई रखनी हो, अगर वो आपका सेट है तब तो आपको फुल लंबाई लेनी है, या आपको अगर उसमें भी लंबाई छोटी करनी है तो आप ऊपर की तरफ गले की तरफ से जो है कटिंग करके कपड़ा निकाल सकते हैं। तो ये हमारा अंदर के सूट का कपड़ा है। तो ये कपड़ा आप देख सकते हैं थोड़ा सा तिरछा है, तो पहले इसे हम बराबर कर लेंगे। ये देखिए हमारा अस्तर का कपड़ा, इसे हमारा थोड़ा सा कपड़ा तिरछा है तो उसे हम ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि जितना ही हम उसको काटेंगे वो और छोटा होता जाएगा। ये हमने अपने कपड़े को बराबर कर लिया है, तो हमने इसे डबल फोल्ड किया है क्योंकि हमारी चौड़ाई जो भी हमारी चेस्ट है वो इतने में ही आ जाएगी, इसलिए सिर्फ हमने डबल फोल्ड किया है, 4 फोल्ड नहीं किया है। आप देख सकते हैं हमने कुर्ती की लंबाई नापी थी 41 इंच, तो यहाँ पे हम 41 इंच पे पहले मार्किंग करेंगे। और हमारी ये डबल फोल्ड और सूट की कटिंग जो है वो अलग होगी, वो 4 फोल्ड में होती है। मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सूट कटिंग का लिंक डाल दूँगी, आप उसे भी देख लें। और ये हमने डबल फोल्ड करके बस अपनी जो लंबाई है वो निकाल ली है, मार्किंग कर ली है। अगर आप इसे चाहें तो मार्केट से आप प्लेन कपड़ा, सिंपल कपड़ा भी लेके बना सकते हैं, जैकेट अलग से और अंदर का ये अस्तर का मतलब अस्तर सूट जो है वो अलग से बनेगा और जैकेट अलग से बनेगा। और अगर आप सेट के कपड़े का चाहें तो सेट के कपड़े का भी बना सकते हैं। इसका हम गोल गला रखेंगे और स्लीवलेस रखेंगे, इसलिए क्योंकि ये तो अंदर रहेगा जैकेट के, तो इसमें डिज़ाइन तो हमारी दिखेगी नहीं, इसलिए हमने इसे गोल गला ही कटिंग करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। यहाँ से हम मार्किंग कर रहे हैं 6 इंच, ये हमारा होगा, यहाँ से हम आर्मोल लेंगे, यहाँ पे 6 इंच,
यहाँ पे हम ले रहे हैं 2.25 इंच। इसके स्टिचिंग पार्ट का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। वैसे वो वीडियो मैं बैक टू बैक डालूँगी, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में किया है। ये हमने 6.5 इंच पे गला आगे का मार्किंग किया है और 7 इंच पे पीछे का मार्किंग किया है, और यहाँ पे हम राउंड कर लेंगे। पीछे का गला थोड़ा सा डीप रखेंगे 1 इंच। यहाँ पे हमारी चेस्ट है 36 की, जो हमारा मेजरमेंट है, हम 4 इंच उसमें ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, यानी 40 इंच, टोटल 40 इंच। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे हमने मार्किंग की है। हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए नहीं निकाला क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा था, तो उसे हमने निकाला नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्म होल से हमने ये 13 इंच पे कट लगाया है, मार्किंग किया है, जो हमारा बगल का कट है उसके लिए। और कमर है हमारी 34 की, तो उसमें भी हम 4 इंच ऐड करेंगे, तो वो हो जाएगी 38। तो कमर हमने यहाँ पे 9.5 इंच की ली है। यहाँ हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया है। ये कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं होता, सिल्क है तो ये अपना कपड़ा बाद में रोआँ छोड़ता है, इसलिए हमने इसमें फिटिंग में हम इसकी मार्किंग करेंगे कि हमको फिटिंग कितनी चाहिए उस हिसाब से, और थोड़ा सा ढीला रखेंगे ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। यहाँ पे नीचे का घेरा आप देख सकते हैं 10.5 इंच, यानी कि 21 इंच का घेरा है एक साइड का। अभी हम फोल्ड करेंगे उसमें। यहाँ पे हम दोनों में से एक को निकाल लेंगे, ये हमारा फ्रंट का हो जाएगा, और इसे हम दोबारा फोल्ड करके, और जो हमने 7 इंच पे मार्किंग की थी अपने बैक नेक के लिए, तो ये तो इसमें तो हम आस्तीन कटिंग करेंगे नहीं क्योंकि ये स्लीवलेस रहेगा, आस्तीन हम अपने जैकेट में लगाएंगे। ये हमारे जैकेट का कपड़ा, ये हमारा आगे का जो हमारा सूट का कपड़ा था, इसका आगे का पोर्शन ये है, इसे हमने डबल फोल्ड किया है। और आगे का जो हमने अस्तर अपना कटिंग किया है, उसे हम इसके ऊपर रिप्लेस करेंगे और सेम इसी साइज का हम कटिंग कर लेंगे। हमें इसमें कॉलर बनाना है इसलिए हम बस इसका आर्म होल का साइज लेंगे। कॉलर लगाना है इसलिए हम गला नहीं डीप करेंगे। अगर आपको चाहिए कि आपको गला डीप रखना है जैकेट का, तो आप एज हमने अस्तर पे कटिंग की है तो उसे आप उस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं मार्किंग करके, लेकिन यहाँ हमें कॉलर लगाना है इसलिए हमने गला कटिंग नहीं किया है, बस हमने एक मार्किंग लगा ली है।
यहाँ आप देखें जैकेट का कपड़ा हमने हाफ इंच थोड़ा बढ़ा के ही काटा है। ये हमारी जैकेट बिल्कुल खुली हुई होगी, हमने अस्तर से इसको जॉइंट नहीं करेंगे, एकदम खुला हुआ रखेंगे तीनों तीन तरफ से। बहुत ही आसान है, अगर आप शुरुआत से सिलाई सीखना चाह रहे हैं तो आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ऐसे भी कर सकते हैं कि शुरुआत में ज़्यादा मेजरमेंट्स नहीं समझ में आते, इसलिए ये सिंपल तरीका है जिससे आपकी सिलाई कर सकते हैं। अब हमने ये कर लिया, अब ये हमारा है बैक का पल्ला, इसे हम किनारे कर लेंगे पहले। ये बैक का पल्ला है, इसे भी हम करेंगे डबल फोल्ड। इसके ऊपर हम ऐसे मोड़ के और अपना फ्रंट पल्ला रखेंगे। ऐसे ही हम पहले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक पल्ला भी कट गया। अब इसमें हम अपनी आस्तीन कटिंग करेंगे, तो आस्तीन के लिए हम अपनी आस्तीन यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल फोल्ड किया हमने कपड़े को। आप चाहे छोटी बना लें, आपके पास एक्सेस कपड़ा है तो आप बड़ी भी बना, लॉन्ग भी बना सकते हैं, 3/4 भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है। आप अपना आर्म मेजर कर लीजिए कितना है, उस हिसाब से आप अपनी लंबाई ले लीजिए। यहाँ हमें लॉन्ग चाहिए तो देख सकते हैं आप, ऐसे हमने चार भाग में मोड़ा है और यहाँ से हम लेंगे 9 इंच। मैंने पहले भी बोला है जब आप चार भाग में मोड़े कपड़े को तो आप मिनिमम 9 इंच तो ले ही, उससे कम ना ले, नहीं तो वो आपके आर्म होल को फिट नहीं आएगी। और आप देख सकते हैं लंबाई, और यहाँ पे कलाई के लिए हम 6 इंच रख रहे हैं अपने मेजरमेंट के हिसाब से। आपकी जितनी मेजरमेंट हो उससे आप 2 इंच बढ़ा लें। ये हमारी आस्तीन हो गई, इसके नीचे हम कोई अस्तर नहीं लगा रहे हैं। तो ये हो गई हमारी आस्तीन कटिंग। तो अब हम इसका स्टिचिंग
करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको उसका वीडियो नेक्स्ट पार्ट में डालूंगी। तो फिलहाल अगर आपको ये कटिंग का पार्ट फर्स्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।